हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं प्रीतम जैन, आप देख रहे हो प्रीतम का यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का 60 डेज यूज। ओके, तो 60 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लगभग 2 मंथ। तो 2 मंथ में इस फोन के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या दिक्कतें आया है, क्या मुझे एडवांटेजेस मिला है इस फोन के यूज करने के टाइम में, उसके बारे में मैं एक ट्रू रिव्यू आपको दूंगा इस वीडियो में। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। पहले ही मैं बता देना चाहूँगा, ये फ़ोन जो है संडे से ओपन सेल में अवेलेबल है। किसी भी टाइम में 24/7 में आप किसी भी टाइम में इस फ़ोन को खरीद सकते हो। एवरी कलर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, 2 कलर ही है, टॉयलेट ब्लू एंड मिडनाइट व्हाइट। ओके, एंड ऑल्सो 6 GB एंड 128 GB वेरियंट में ये फ़ोन मिल जाएगा। तो अभी जो है इस फ़ोन का रिव्यू एक एक करके मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताऊँगा। ओके, तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इस फोन के अगर मैं बात करूं, इस फोन का पहले ही जो पॉइंट आता है ये है इसका बिल्ड क्वालिटी। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है एंड मतलब बिल्ड क्वालिटी, ये फुल फील प्लास्टिक बॉडी से बनाया गया है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, इसका जो प्लास्टिक का जो स्टाइल है ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन का स्टाइल है। ओके, एंड ऑल्सो प्लास्टिक है, इसीलिए जो है इसमें जो है उंगली वगैरह का निशान भी आ जाता है इसमें। ओके, मार्क्स वगैरह आ जाता है। एंड ऑल्सो अभी इस प्राइस में, इसका मतलब 17,499 रुपये में आपको जो है और भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स का आपको स्टाइलिश लुक जैसा फ़ोन्स मिल जाएगा। तो स्टाइलिश में जो है ये फ़ोन थोड़ा सा नीचे डाउनग्रेडेड हो जाता है, मगर जो है इस फ़ोन का अगर स्टाइल को छोड़कर और भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो अगर आप देखोगे तो ये फ़ोन आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस देगा। तो अभी जो है एक एक करके हम देखेंगे। तो इसका जो है प्लास्टिक उतना बढ़िया नहीं है, इसीलिए इसमें जो है आप लोगों को एक बैक कवर की भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बैक कवर अगर नहीं लगाओगे तो इसमें जो है स्क्रैचेस वगैरह भी आ सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। एंड ऑल्सो जो है प्लास्टिक में आप देख सकते हो नॉर्मल यूज में इसमें उंगली वगैरह चिपकता है, तो इसीलिए जो है इसमें आपको बैक कवर मस्ट है। अगर आप फ़ोन को ज़्यादा टाइम तक यूज करना चाहते हो तो आपको बैक कवर मस्ट है। ओके, इसके बाद जो है नंबर 2 में जो पॉइंट आता है इस फोन का डिस्प्ले। अगर मैं इस फोन का डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो इसका डिस्प्ले में भी आपको जो है कुछ फर्क आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें जो है नॉर्मली IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, मगर जो है आपको डे लाइट में आउटडोर कंडीशन में भी किसी भी टाइप का परेशानी नहीं होगा, ब्राइटनेस ठीक ठाक ही है, आपको नॉर्मल यूजेस में कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ इसमें जो है HDR10 का इसमें सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो इसीलिए जो है आपको कलर सैचुरेशन वगैरह जो वीडियो देखने के टाइम में जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बढ़िया फील होगा। एंड ऑल्सो एमोलॉयड डिस्प्ले के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको जो है 90-100 इसी टाइप का आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। इसका मतलब जो है 19-20 का आपको जो है थोड़ा सा फर्क आपको महसूस होगा, उतना ज़्यादा नहीं कि आपको जो है इसको एकदम से डाउन करना पड़े। तो इस प्राइस सेगमेंट का अगर आप रियलमी का फ़ोन वगैरह देखोगे या सैमसंग वगैरह का फ़ोन, तो वो सब ब्रांड क्या करता है कि वो ब्रांड जो है आप लोगों को एक एमोलॉयड डिस्प्ले प्रोवाइड कर देता है, मगर मोटोरोला ने जो है बहुत दिन के बाद एक फ़ोन लॉन्च किया है, तो इसीलिए जो है इसका बैक का बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल्सो जो है ग्लास में उतना फोकस नहीं किया है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा नीचे इसको आप कह सकते हो, मगर उतना नीचे नहीं इसका डिस्प्ले, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही मुझे लग चुका है। इसके बाद जो है नंबर 3 में जो पॉइंट आता है जो है इसका सिम इजेक्टर टूल। तो देखो फ्रेंड्स, सिम इजेक्टर में आपको जो है 2 सिम लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और जो है ऊपर साइड में है, मगर जो है अगर आप इसमें जो वेरिएंट मिलता है 6 GB एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज, तो 128 GB अगर आपको यूज करने के बाद भी आपको एक्सटेंड करना पड़े तो आपको जो है 1 सिम लगाना पड़ेगा विथ 1 मेमोरी कार्ड, और अगर 2 सिम लगाओगे तो आपको जो है मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है, मगर मुझे 128 GB का जो इंटरनल स्टोरेज इसमें कैपेसिटी दिया गया है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को एक्सटेंड करना पड़े। और अगर आप जो है आईफोन वगैरह में देखोगे तो इतना महंगा महंगा फ़ोन में भी आपको जो है HD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है अभी के टाइम में। तो ओवरऑल मुझे लगता है 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ
अगर आपको जो है नैनो सिम स्लॉट दो दिया गया है तो ठीक ठाक ही मुझे लगता है। आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो पॉइंट जो है सबसे खास है, क्योंकि जो है ये पॉइंट से जो है इसका बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्यों ये फोन में लिया पैसा खर्च करके। देखो दो रीजन है मेरे लेने का। नंबर वन जो पॉइंट आता है वो है इसका बैटरी। ओके, इसका बैटरी जो बैकअप है ना फ्रेंड्स, वो मैं क्या बताऊँ, इसमें 5000 एमएच का बैटरी है एंड जो है 5000 एमएच का जो बैटरी है ना, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बैटरी है। मुझे तो गेम खेलना एंड ऑल्सो वीडियो कॉलिंग वगैरह यूट्यूब वगैरह देखने के बाद एंड ऑल्सो कॉलिंग वगैरह नॉर्मली करने के बाद भी मेरा जो है हेवी यूज करने के बाद भी मेरा जो है डेढ़ दिन तक आराम से इसका बैटरी बैकअप दे देता है। एंड सो हेवी मतलब बहुत ही हेवी यूज करने के बाद ही मुझे डेढ़ दिन देता है, और अगर आप जो है नॉर्मली यूज करते हो तो आपको जो है 7 दिन तक भी दे देगा इसका बैटरी, इतना पावरफुल 5000 एमएच का बैटरी है। मगर इसमें जो है 18 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया गया है, जो थोड़ा सा आप बोल सकते हो मोटोरोला के पुराना चार्जर है, क्योंकि देखो मोटोरोला नॉर्मली जो है फोन में जो मोटो वन पावर जो पहले एक फोन आया था उसमें भी आपको 18 वाट या 15 वाट ऐसे कुछ चार्जर मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो है चार्जर का वाट वगैरह को बढ़ाना चाहिए था, और जो है इसमें जो प्रोसेसर यूज किया जाता है जो है 730G, वो भी एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप मीटिंग वगैरह या गेम खेलने के टाइम में या लैग इशू या जो है हैंग वगैरह जो होता है ना बक्स, उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो है 730G होने के कारण से इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से चलता है, उनसे स्मूथ तरीके से आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं बेसिकली ये दो पॉइंट के लिए मैं इस फोन को खरीदा हूँ। एंड सो और भी बहुत सारा पॉइंट्स है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये फोन में जो है अपडेट्स एक प्रोवाइड हो चुका है ऑलरेडी, और उसमें जो है इसका पॉपअप में जो स्लो था एंड ऑल्सो जो है नेटवर्क में जो इशू आ रहा था एयरटेल में, उसको सॉल्व कर दिया गया है। और जो है अभी भी बहुत सारा अपडेट्स आने वाला है लिनोवो की तरफ से, तो लिनोवो कितने टाइम तक इसमें सपोर्ट रखता है वही देखने के बाद है इसमें भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद मोटोरोला ने एक फ़ोन लॉन्च किया है इस प्राइस सेगमेंट में, तो अभी देखना पड़ेगा कितना बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करता है लिनोवो की तरफ से। अभी जो है आप जानते हो लिनोवो एंड मोटोरोला के जो है ट्रायल हो चुका है, तो इसीलिए जो है इसमें सॉफ्टवेयर जो अपडेट्स वगैरह जो होता है वो लिनोवो की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इस फोन का कैमरा। कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है आपको पीछे क्वाड कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर आप सेल्फी शौकीन एक बंदे हो या बंदी हो तो आप लोगों को जो है मैं एक चीज बताना चाहूँगा, सेल्फी में इतना खास नहीं है, आपको जो है एक प्राइमरी एक बोल सकते हो एवरेज एक फोटो ये उठा के दे देगा। आपको जो है नॉर्मल जो फोन्स वगैरह इस प्राइस सेगमेंट में जो मिलता है रियलमी पोको एमआई ये सब फोन में आपको जो है इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का आपको जो है सेल्फी पिक्चर उठाकर दे देता है। ओके, एंड ऑल्सो जो है मैनुअली जो ब्यूटिफिकेशन वगैरह का कंट्रोल करने का जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं मिलेगा आपको, तो इसीलिए जो है आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह यूज करना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जो है सिक्योरिटी इशू थोड़ा आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फी में उतना बढ़िया नहीं है, मगर उतना बुरा भी नहीं है। आप जो है नॉर्मली अगर सेल्फी वगैरह उठाते हो तो ठीक ठाक ही है। ओके, उतना डाउन नहीं है, उतना अप भी नहीं है, ठीक ठाक चल जाएगा। मगर इस प्राइस सेगमेंट के अगर फोन के साथ अगर कंपेयर करोगे सेल्फी में तो थोड़ा सा डाउन इसको महसूस होगा। उसके बाद अगर फ्रंट कैमरा की अगर बात करो, फ्रंट कैमरा तो देखो फ्रंट कैमरा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है एंड ऑल्सो जो है 582 ये सब कुछ कैमरा दिया गया है। मगर इसमें जो है आपको मैक्रोशॉट लेने के लिए जो 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है इसमें मैक्रोशॉट इतना बढ़िया क्वालिटी से आता है कि आप लोग पिक्चर सैंपल पिछले वाले वीडियो में आपको दिखने को मिल चुका है, एंड डिटेलिंग वगैरह भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से आता है। तो पीछे के कैमरा में अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे फोन के साथ तो इसमें जो है आपको टक्कर देने वाला एक कैमरा आपको महसूस होगा। एंड ऑल्सो अगर आप गूगल कैमरा को इसमें इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका पिक्चर में भी थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा मिलेगा। एंड ऑल्सो गूगल कैमरा ऑब्वियसली बात है गूगल कैमरा में सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा बिल्ड अच्छा क्वालिटी से होता है, तो इसीलिए जो है उसमें भी अच्छा क्वालिटी से आपको जो है पिक्चर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा पीछे का कैमरा मुझे ठीक ठाक ही लग चुका है।
इसके बाद जो है स्लो मोशन वगैरह एंड उसमें बहुत सारा और भी ऑप्शन है, उसमें भी ये ठीक ठाक ही है, उतना बुरा नहीं है। नॉर्मल इस प्राइस सेगमेंट में जो सारा फोन आता है उसमें भी ऐसे ही सब कुछ ऑप्शन सबको मिल जाता है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो एक बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि देखो इसमें एक प्रॉब्लम मुझे जो फेस हुआ है जो है इसका ये जो पावर अनलॉक बटन एंड ऑल्सो जो वॉल्यूम ऑप्शन एंड ऑल्सो गूगल असिस्टेंट, ये इतना छोटा क्वालिटी से है कि मुझे जो है ये 60 डेज यूज करने के बाद भी ठीक ठाक एडजस्ट नहीं हुआ कहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन बटन है, कहाँ पर पावर ऑफ बटन है और कहाँ पर एक गूगल असिस्टेंट है। मैक्सिमम टाइम में वॉल्यूम अप डाउन करने के टाइम में मेरा जो है ये गूगल असिस्टेंट दब जाता है, और थोड़ा सा इरिटेटिंग वाला बात है क्योंकि देखो जो है इतना दिन तक मैं यूज किया मगर इतना छोटा है ये बटन्स वगैरह और एक साइड में दिया गया है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो ओवरऑल जो है ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है। एंड ऑल्सो और भी कुछ बातें अगर बताओ तो यहाँ पर देख सकते हो पीछे आपको जो है ब्रांड के साथ लोगों के साथ आपको जो है मोटरोला का यहाँ पर लोगो दिया गया है। एंड ऑल्सो इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, मगर फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा स्लो है, नैनो सेकेंड्स का आपको जो है डिफरेंस मिल जाएगा ये फिंगरप्रिंट अनलॉक करने के टाइम में, तो ये थोड़ा सा जो है स्लो है मगर ठीक ठाक ही है। इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता है, तो जो सारे बंदे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद करते हो तो वो लोग थोड़ा सा निराश हो जाओगे इस फोन के साथ, क्योंकि इसका पीछे आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट। एंड ऑल्सो फिंगरप्रिंट के साथ साथ इसमें कुछ अच्छा बात भी है, फिंगरप्रिंट में आपको जो है यहाँ पर जेस्चर वगैरह कुछ एडजस्टमेंट करने के ऑप्शन मिल जाता है। एंड ऑल्सो रात में तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो ये जो सेक करने से जो ये जो लाइट ऑन एंड ऑफ ये बहुत ही मुझे हेल्पफुल लगा है। एंड ऑल्सो यूजफुल है ये जेस्चर्स एंड भी और भी बहुत सारा जेस्चर्स है, जैसे कि ऐसे करके सर्व करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, ऐसे करके करोगे तो कैमरा आपका बंद भी हो जाएगा, पीछे वाला कैमरा फ्रंट वाला कैमरा ये लॉक होने के टाइम में भी आप जो है ऐसे करके जेस्चर्स वगैरह यूज करके जो है पिक्चर वगैरह उठा पाओगे, तो ये बहुत ही मुझे हेल्पफुल जेस्चर्स वगैरह लगा है। एंड ऑल्सो ये जो जेस्चर्स जो है ये नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना स्टाइल का जेस्चर्स है, मोटरोला की तरफ से ये सब जेस्चर्स आपको मिल जाता था पहले भी और अभी भी ये प्रोवाइड किया गया है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये बहुत ही एक हेल्पफुल जेस्चर्स वगैरह है, तो आपको जो है यूज करने में बहुत ही आसानी होगा एंड ऑल्सो बहुत ही हेल्पफुल होगा रेगुलर यूज के टाइम में। और ओवरऑल अगर नेटवर्क्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो कॉल करने के टाइम में जो है नेटवर्क वगैरह में पहले जो प्रॉब्लम था अपडेट से पहले, वो जो है अपडेट के बाद अभी मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स सॉल्व कर दिया गया है। अब बोल सकते हो 80% सॉल्व्ड है, अभी जो है थोड़ा सा जो दिक्कत की बात है वो सब कुछ जो है धीरे धीरे करके सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड उनसे पबजी लवर्स वगैरह अगर एक फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि इसमें जो है आपको पबजी गेम खेलने के टाइम में फुल डिस्प्ले मिलेगा एज टू एज, तो किसी भी टाइप का आपको परेशान नहीं आएगा, फुल आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ऑल्सो नीचे ब्लैक जो बॉर्डर आता है उसे कैसे हटाना है उसका भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको जो वीडियो के एंड में डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। एंड इसमें जो है आप स्मूथ में अल्ट्रा तक जा सकते हो, इसका मतलब 40 FPS तक आप जो है इसमें यूज कर सकते हो। अगर आपको 60 FPS जाना है तो आपको जो है इसमें GFX लगाना पड़ेगा, मगर जो है आप नॉर्मली इसमें यूज करो 40 FPS में बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ये मेरा राय है क्योंकि मैं भी बेसिकली इसमें पबजी गेम ज़्यादा ही खेलता हूँ। और उसके साथ साथ और कुछ बातें अगर बताओ तो इस फोन में आपको जो है गेमिंग के टाइम में 730G जो प्रोसेसर है ना, जी मतलब गेमिंग प्रोसेसर, एंड ऑल्सो जो है 730 with G ये जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, इससे जो है आपको हीट एंड ऑल्सो लैग वगैरह का इशू इसमें नहीं आएगा। आप जो है 2-3 घंटा 4 घंटा भी नॉन स्टॉप खेलोगे तो इसमें जो है किसी भी टाइप का दिक्कत आपको नहीं महसूस होगा। और आपका अगर बजट कम है एंड ऑल्सो ये फोन आप जो है एफोर्ड कर सकते हो तो आराम से आप लेके इसमें जो है एक एडवांस लेवल का गेम का एक्सपीरियंस इसमें ले सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा फ़ोन आपको लेना है कौन सा नहीं है, सब फोन ही बढ़िया है, मगर इस प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए मोटोरोला की अगर एक डिज़ाइन की अगर बात को मैं छोड़ दूँ एंड ऑल्सो सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात छोड़ दूँ, एवरेज अगर आप लेते हो तो सब कुछ आपको जो है बढ़िया मिलेगा। एंड ऑल्सो इसका जो स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील है इसमें आपको नो एड्स स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है, और जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक एक्सपीरियंस। अगर आप ये नो एड्स वाला एक स्टॉक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो इसमें आपको मिलेगा
ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, तो इसीलिए भी ये फोन आप ले सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको एड्स वाला आपको जो है स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए एंड नो एड्स वाला स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि देखो नो एड्स आपका, अगर आप नो एड्स वाला स्टॉक एंड्रॉइड यूज करते हो आपके फोन में, तो उसमें जो है इंटरनली जो बैटरी जो कंज्यूम होता है, क्योंकि देखो आप जो है नॉर्मली रात को जो है फोन को लॉक करके रख चुके हो, मगर दिन में उठकर देख रहे हो कि 90 से लेकर आपका 80% हो गया, मगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों इतना 10% क्यों हट गया, क्योंकि मैं तो रात को यूज ही नहीं किया। यही दिक्कत की बात है कि आपका जो एड्स वगैरह जो सॉफ्टवेयर में रहता है उसमें इंटरनली जो है आपका बैकग्राउंड में एड्स वगैरह चलता है, मगर आपको मालूम भी नहीं पड़ता, तो इसीलिए जो बैटरी कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए जो है इसमें नो एड स्टॉक एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे जो है आप लोगों का बैटरी भी ज़्यादा टाइम तक चलेगा एंड तो नो एड होने के कारण से आपको जो है दिक्कत भी कुछ नहीं आएगा, आपको इरिटेशन भी नहीं आएगा जो दूसरे वाले यूआई वगैरह एमआई यूआई एंड ऑल्सो जो है जेन यूआई एंड और भी बहुत सारे यूआईस वगैरह है उसमें आपको ये नो एड्स नहीं मिलता, आपको एड्स मिलता है बैकग्राउंड में। तो इसीलिए जो है ये फोन आप ले सकते हो, अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आपका अगर 17,500 का बजट है तो ये फोन आपको दो वेरिएंट में मिल जाएगा एंड 6GB रैम के साथ। अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा फोन लेना चाहते हो कौन सा नहीं। अगर मेरा राय लेना है तो मैं आपको बोल सकता हूँ ये मेरा प्राइमरी फोन है एंड ऑल्सो जो है मुझे 60 डे यूज करने के बाद ये वॉल्यूम अनलॉक बटन को छोड़कर सब कुछ मुझे बढ़िया लगा। उनसे पीछे का ये जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए आपको बैक कवर दिया गया है। उनसे आप एक खुद बैक कवर स्टाइलिश बैक कवर खरीद के इसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड सेल्फी के मामले में अगर मैं बात करूँ तो उतना मुझे सेल्फी नहीं चाहिए, तो इसीलिए जो है इसका जो सेल्फी क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक ही लगा है। मुझे जो लगता है मैं आपको क्लियर बता दिया, अभी आपको डिसाइड करना है ये फ़ोन आपको लेना है या नहीं। अगर लेना है 17,500 में, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बेस्ट फ़ोन है और जो है दूसरा जो मार्केट में फ़ोन अवेलेबल मिल जाएगा उससे मैं अगर कंपेयर करूँ तो ओवरऑल अगर दिखा जाए तो उस फोन से ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आपको एक्सपीरियंस देगा एंड ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग यूज के लिए भी ये फोन एक ट्रस्टेड फोन है। अभी आपको डिसाइड करना है क्या करना है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके जाओ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना सोशल मीडिया में, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना एंड ऑल्सो पबजी रिव्यू एंड ऑल्सो जो है कैमरा रिव्यू, गेमिंग एक्सपीरियंस, इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब का वीडियो अगर देखना है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा एंड ऑल्सो डिस्प्ले का ऊपर शो कर जाएगा एंड ऑल्सो ऊपर आई बटन में भी आपको शो करेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और कुछ भी मेरे साथ अगर डिटेल में बात करना है नीचे कॉमेंट करके बात कर लो एंड ऑल्सो जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी मेरे साथ बात कर सकते हो। सो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।